ने मिट्टी को बोल डाला उसका रिक्वायरमेंट हमारे पास है, गाड़ियां भी हमारे पास है, क्योंकि ये इंसान प्रति बात है कि नेचर विल डिस्ट्रॉय अस, जब हम उसे हो जाएंगे सारा फसल, अगर हम फसल की बात करें, हर कोई फसल खत्म किया तो हमने कहा कि हम सेब उगाएंगे, उसे तो कुदरत में कुदरत के रंग नहीं रहते हैं। अब हम आएंगे वो ठीक है, नो नॉट एट ऑल करेगा, ठीक है ठीक है, डन डन, बाकी लगाऊं कौन है बोला बहुत क्लास है और बेटर क्लास नंबर की की से आज तू माना मैडम माना की यहां पे इतना ड्रेन गए तने पर कोई खा मैडम माना वो इस करो ये ड्रेन बंद मगर दोस्त ये छोट ट्रावान छो एमसी पे गैस दस्ती दस्ती खत्म जनाब ये वैसे बंद करते हैं बड़े मैं माफी दे दीजिए मेरे मीटिंग ज्वाइन करो को चक्कर लगाने के लिए कितना हिस्सा दे दिया है। लाइक टू एक्सटेंड माई ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द मेंबर्स ऑफ दिस सिविल सोसाइटी एज वेल, एफएससीटी की ड्रेन्स की, ये आप देख रहे हैं कि म्युनिसिपैलिटी देखिए हम बेहद बहुत ही मशहूर हैं, हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ डायरेक्टर जो हैं वो आज यहाँ पे आज खुद आई और उन्होंने ये जो प्रोग्राम है यहीं पे खरवन सर के नज़दीक रखा था, इसका इनेकाद यहाँ पे हुआ था। इसमें इन्होंने लोगों को इसी चीज़ से अवेयर किया कि इसमें गंदगी ना डाली जाए और जो बाकी सिवेज वगैरह जो ड्रेनेज के थ्रू आते हैं उस पर ये भी काम करेंगे और यहाँ की जो सिविल सोसाइटी है वो भी इस पर इनके साथ शाना बशाना रहेगी और ये काम करेंगे कि इसको साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करेंगे ताकि जो इसकी आबो हवा है वो ताज़ा रहेगी, उसे गंदगी की या गंदी बदबू ना आएगी। तो आने वाले वक्त में जो भी बीमारियां वबाई बीमारियां फैलने का खतरा लाहक रहता है हमें अक्सर बेशतर, तो उसे हम नजात पाएंगे। लोगों से यही अपील है कि जो आज का हम दिन मना रहे हैं इसका मकसद होता है लोगों को याद दिलाना कि हमारा हिस्सा एनवायरनमेंट में कितना है, हमारी जिम्मेवारी कितनी है, और गुजारिश ये रहेगी कि इस दिन को यहाँ ही हम ना भूल जाए। मैं बहुत खुश हुई कि यहाँ पर हमारे साथ पूरा सुंबल जुड़ा हुआ था, खासकर सिविल सोसाइटी के नौजवान हमारे साथ जुड़े और उन्होंने एक वादा किया है कि ये जो ड्राइव है ये कंटिन्यूस ड्राइव रहेगी और हम इस डल को, इस वाटर बॉडी को बचाने की कोशिश करेंगे, कोशिश ही नहीं करेंगे, इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। और इसमें जो भी एनक्रोचमेंट्स हो रही हैं, जो भी इसमें कुछ इलाकों से गंद वगैरह लोग डालते हैं, हम उनसे भी मिले, हमने उन्हें मना किया, तो अपने यहाँ पे हमने डायरेक्शंस भी दे दी जो हमारे अपने अफसरान हैं मुलाजमीन हैं कि वो इसका वॉच रखे और अगर आगे भी कोई ऐसा करता है तो उसको पेनलाइज भी किया जाएगा। अवेयरनेस प्रोग्राम रहा जिसमें स्कूली बच्चे थे, यहाँ के शहरी थे, डिफरेंट तबकों से वाबस्ता लोग थे, उनसे बात हुई, उनको एक एहसास दिलाया गया कि हमारा रोल कितना है, भले ही हम एक छोटे पैमाने पे अपना रोल अदा करें लेकिन जब बहुत लोग फिर मिलते हैं तो वही एक कामयाबी की सीढ़ी बन जाती है हमारे लिए। और यहाँ के लोगों ने काफ़ी एंथुसियाज्म दिखाया इस मुहिम के साथ जुड़ने के लिए और उन सब ने कहा कि हम अपने सर को, इस वाटर बॉडी को बचाना चाहते हैं, जहाँ पे हमने अभी प्लांटेशन ड्राइव भी की ताकि इसकी जो पेरिफेरल एरिया है वो भी सेफगार्ड हो जाए। और ये जो ड्राइव है आज की जो हमने शुरू की ये यहाँ ही इख्तिताम नहीं होगी, ये लगभग 15 दिन में एक बार क्लीनलीनेस ड्राइव इसकी होगी जब तक ये डल पूरा मुकम्मल साफ़ हो जाए।